हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम मैथ का एक और नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जो क्लास थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में, तीनों क्लास में कॉमन है और बहुत सारे बच्चे सबसे पहले इसी बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, असेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं हिंदी में आरोही क्रम और डिसेंडिंग को कहते हैं अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, ये जो हमारे जैसे ये हमारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, सभी के घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, तो उन पर जैसे हम बारी बारी ऊपर छत पर जाते हैं तो सीढ़ियाँ को कहते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, इसको कहते हैं हम आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ चलना, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। अब जब हम छत पर से नीचे आते हैं यानी सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अब हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं यानी ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, किन्हीं बच्चों को इसी इंग्लिश में ही कन्फ्यूजन होती है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग से कैसे उनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग में ही एक साउंड आ रही है डिक्रीज की। डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटाना, यानी डिसेंडिंग डिक्रीज घटाना, बड़े से हम छोटे की तरफ चल रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट असेंडिंग, असेंडिंग में साउंड आ रही है हमारी इंक्रीज की, असेंडिंग में इंक्रीज की साउंड आ रही है और डिसेंडिंग में डिक्रीज की साउंड आ रही है। तो इंक्रीज डिक्रीज से याद रख लो, इंक्रीज माने बढ़ाना और डिक्रीज माने घटाना, यानी असेंडिंग का मतलब छोटे से हम बड़े की तरफ चल रहे हैं, सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ हमारे पास डिजिट हैं, 10 नंबर दिए हुए हैं जिनमें हमारे 2 डिजिट नंबर भी हैं, 3 डिजिट भी हैं और 4 डिजिट भी हैं। अब ये 10 नंबर दिए हुए हैं हमको, अब इनको हमको सबसे पहले क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल सीरियस वाइज लगाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वही नीचे से ऊपर की तरफ चलना है हमको। सबसे पहले हम कौन से लेटर पकड़ेंगे, छोटे वाले। तो छोटे वाले क्या है, इसमें दो वर्ड के, दो वर्ड वाले पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसमें एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीन वर्ड ऐसे यहाँ पे जो दो लेटर से मिलकर बने हुए हैं। अब इन तीनों में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, छोटा वाला। तो इन तीनों में सबसे छोटा वाला कौन सा है, 53। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 72। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 89। अभी हमारे तीन नंबर होंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें तीन डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं। तो तीन डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं, एक येरा और एक येरा, तीन ही है ना। अब इन तीनों में हमको क्या है, ये मालूम करना है कि कौन सा छोटा है। तो जब तीन डिजिट के नंबर आते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले वाले नंबर से, है ना। जिसका पहला वाला नंबर छोटा हुआ वो डिजिट क्या होती है, छोटी, और जिसका पहला वाला नंबर बड़ा हुआ उसकी डिजिट कौन सी होती है, बड़ी। सपोज करो ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे हमारे तीन डिजिट नंबर है 348 और दूसरा नंबर है 398, ठीक है। तो ये दोनों तीन डिजिट, अब इनके पहले पहले दोनों लेटर क्या हैं, सेम है, तो फिर हम कौन से पे जाते हैं, नेक्स्ट वाले वर्ड पे। नेक्स्ट वाले वर्ड पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 4 क्या है, 9 से छोटा है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला। हमने पिछली क्लास में कंपेरिजन ऑफ नंबर में पढ़ा था स्मॉल और लार्जर वाला, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, छोटा वाला, बड़ा वाला कौन सा है, ये, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, तीन जो हमारे तीन नंबर के जो भी हैं इनमें से सबसे पहले छोटा वाला देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, पहला वाला लेटर देखेंगे, यहाँ 3 है,
यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, 3 to 8। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 5 वाला, क्योंकि 9 क्या है 5 से बड़ा है, तो पहले आएगा 5 4 8। नेक्स्ट क्या है, 9 5 3। चलो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं 4 डिजिट वाले पे, और 4 डिजिट के कौन कौन से रहेगा, 1 2 3 और 4। इनका भी जब ये 4 डिजिट के नंबर हैं तो इनका भी वही प्रोसीजर है, सबसे पहले हम कौन सा लेटर देखेंगे, पहला वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर पहले वाले सेम हैं तो नेक्स्ट, फिर वो भी सेम है तो नेक्स्ट। इस तरीके से हम नंबर की आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो पहला वाला लेटर देखते हैं, यहाँ पे क्या 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, यानी कि आपको दो जो छोटे छोटे नंबर है वो दो मिल गए, एक ये 4 वाला और ये 4 वाला। अब दोनों के पहले लेटर सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जंप करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे क्या है 9, हमको छोटा वाला नंबर मिल गया। छोटा वाला नंबर कौन सा है, ये वाला, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 8 7 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा, ये वाला 4 9 5 3 सॉरी 5 7, ठीक है। अब रह गए दो नंबर, 7 वाला और 9 वाला, इनमें तो वैसे ही साफ साफ दिख रहा है कौन सा वाला छोटा वाला है, 7 2, ये वाला 7 2 8 7, नेक्स्ट 9 2 8 3। तो बच्चे यहाँ पे जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये 10 के 10 वर्ड है, 10 के 10 लेटर्स लिख रहे हैं, इन सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कंप्लीट हो गया। यहाँ से तुम देखोगे तो ये सब छोटे से लेकर बड़े की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, पहले 53, फिर 72, 810, 328, 548, 953, 8473, 4957, 72, 87, 92 और 83। ये क्या हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग रहा है। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक बात हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब कि जस्ट अपोजिट होते हैं। अब ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अब हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर इनमें से छांटने की जरूरत नहीं है। अगर हमको इन्हीं नंबर का डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे लास्ट वाले से, क्यों, क्योंकि यहाँ हम छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, हमको बड़े से छोटे की तरफ चलना पड़ेगा, यानी 9 2 8 3 वहाँ से हम शुरुआत करेंगे और 9 2 8 3 7 2 8 7, नेक्स्ट क्या आएगा 4 9 5 7, नेक्स्ट 4 8 7 3, फिर नेक्स्ट 9 5 3, नेक्स्ट 5 4 8, नेक्स्ट क्या आएगा 3 2 8, नेक्स्ट 89, नेक्स्ट 72 एंड नेक्स्ट 53। देखा, जब हमने इन दसों नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल लिया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा जहाँ हम उसका क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक और सवाल है बच्चों, ये 10 नंबर और दे रखे हैं ना, तो अब हम इनका निकाल के देखते हैं फिर तुम्हारे लिए होमवर्क। तो अब पहले हम इनका क्या निकालते हैं, आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालते हैं, पहले अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले हम बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ चलेंगे, तो इसमें बड़े वाले निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पर मान में देखने पर लग रहा है कुछ 2 डिजिट के नंबर हैं, कुछ 3 डिजिट के नंबर हैं और कुछ 4 डिजिट के नंबर हैं। तो सबसे पहले बड़े लेने के लिए हमको क्या है 4 डिजिट के निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 4 डिजिट के जितने भी नंबर हैं पहले हम उनको ले लेते हैं, एक ये रहा 4 डिजिट का, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, यानी कि 4 नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो 4 डिजिट के हैं। अब इन चारों में से बड़ा कौन सा है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे चारों का पहली डिजिट से। तो यहाँ पे पहली डिजिट क्या है 9, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 3। तो हमको पहला नंबर मिल गया, जो सबसे बड़ा वाला है वो क्या हमारा पहला नंबर, यानी कि
9, 2, 5, 3. नेक्स्ट दूसरा नंबर कौन सा है 9 पर? 7, क्योंकि 7 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों से बड़ा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 7, 8, 3, 5। नेक्स्ट नंबर क्या है? इन दोनों में से होगा कोई सा, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो अब बड़ा कौन सा, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जंप करेंगे। सॉरी, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या लिख रहा है? 4। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? 2। तो 4 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 4 वाला। तो यहाँ तीसरे नंबर पे जो तीसरी पोजीशन होल्ड करता है वो नंबर कौन सा है हमारा? 3, 4, 8, 7। और फोर्थ नंबर पर कौन सा आ जाएगा? 11 है, यानी कि 3, 2, 4, 5। चार नंबर हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं थ्री डिजिट वाले नंबर पर। अब थ्री डिजिट वाले कौन से? देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है और एक ये है, चार है। अब इन चारों में से 4 को भी प्रोसेस करनी है। पहले बड़ा निकालना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले नंबर वाला देखो, यहाँ पे क्या है? 9। यहाँ क्या है? 8। यहाँ क्या है? 5। और यहाँ क्या है? 3। तो इन चारों में तो बेस ही मालूम है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। पहले 9 to 8 वाला, उसके बाद नेक्स्ट 8, 5, 3 वाला, उसके बाद नेक्स्ट 5, 8, 7 वाला, और नेक्स्ट 3, 2, 5 वाला। बाकी के रह गए दो, एक तो रह गया 87 और एक रह गया 25। ये दो डिलीट वाले दो नंबर रह गए। अब इनमें क्या है कि इनमें भी डिफरेंस दिख रहा है, बड़ा कौन सा है? 87, और छोटा कौन सा है? 25। तो बच्चों यहाँ पे ये दसों नंबर्स का क्या निकल के आ गया हमारे पास? डिक्रीजिंग ऑर्डर निकल गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है, फिर उसके बाद छोटा 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 ऐसे करके चल गया। ठीक है, अब हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर निकल गया। हमको अब इसका, इन दसों नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए फिर वही, पहले छोटा निकालो, बड़ा छाटो, ऐसे करो, कुछ मत करो। हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका क्या कर दो? रिवर्स कर दो। मैंने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये क्या होते हैं आपस में? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया इन्हीं नंबर्स का, तो इन्हीं नंबर्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स कर देते हैं। तो वहाँ से शुरू करते हैं, 25 से। पहले 25, नेक्स्ट 87, नेक्स्ट 325, नेक्स्ट 587, नेक्स्ट 853, नेक्स्ट 928, नेक्स्ट 3245, नेक्स्ट 3487, नेक्स्ट क्या 7835, और नेक्स्ट क्या 9253। तो देखा कितना सिंपल हो गया। अब हमको क्या है, जब हमने इन दो दसों नंबर्स का एक ऑर्डर निकाल लिया, जब हमको दोनों ऑर्डर निकाल लिया, असेंडिंग भी और डिसेंडिंग भी, हमने एक निकाल लिया तो हमको दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी का हम क्या कर देंगे, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। तो समझ में आया आज का चैप्टर? अब तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है? ठीक है, तो बच्चों ये रहा तुम्हारी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का होमवर्क ना। तो वीडियो को पॉज करके ये तुम्हें होमवर्क करना है। ये जितने भी नंबर दिए यहाँ पे, ये सारे तुम्हें, ये 10 नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग में, ये सारे इसी तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। थैंक यू बच्चों।